नमस्कार, डॉक्टर सुरेंद्र रोड़े जी का विवाह 30 दिसंबर 2018 को महाराष्ट्र के परभणी जिले में संपन्न हुआ। विवाह समारोह में उन्होंने अपने गुरुदेव संत श्री आशाराम जी बापू की प्रतिमा का पूजन व आरती की। गुरुदेव के जीवन पर आधारित श्री आशारामायण का पाठ व भजन संकीर्तन से दिव्य व पवित्र बने वातावरण में सुरेंद्र जी ने गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया। हमने उनसे इस विषय पर चर्चा की, उनसे हुई बातचीत का ऑडियो आप इसी वीडियो में सुनेंगे। आइए पहले देखते हैं उस अलौकिक समारोह की झलक। प्रभु कैसा, आपको इतने पहले मैं बधाई दूंगा कि आपका अभी विवाह हुआ ना, कितना है 30 तारीख को कुछ।
हाँ जी हाँ हाँ हाँ, उसके लिए बधाई, और उससे भी बड़ी बधाई, उससे भी ज्यादा बधाई मैं आपको इसलिए दूंगा कि आपने अपने गुरुदेव की तस्वीर लगा के उसकी प्रति मतलब पूजन किया, आरती किया, आसरमान का पाठ किया विवाह में। हाँ जी हाँ हाँ हाँ, तो उस विषय में आपको तो एक ऐसा पूछ रहा था, बहुत बहुत बढ़िया मैंने वो देखा है वीडियो क्लिप आपकी। आज के माहौल में सुरेंद्र जी ने ऐसा किया है तो एक सवाल हमारे मन में उठना स्वाभाविक था। हमने सुरेंद्र जी से पूछा, क्या आपको किसी विरोध अथवा किसी भी तरह की कोई समस्या का सामना करना पड़ा था? सुनिए क्या कहा उन्होंने। नहीं, हमको तस्वीर लगाने के पहले ऐसा लगा था कि अड़चन वगैरह आ सकती है, लेकिन एक्चुअली क्या है आजकल समाज में है ना, बापूजी के बारे में मतलब अच्छी एक मत, अच्छा मत हो रहा है, लोगों का विचार परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी केस के बारे में सच्चाई जानने लगे हैं, तो फिर उतना कुछ विरोध नहीं हो पाया, उल्टा इतना अच्छा लगा सब लोगों को जो हमने ध्यान भजन किया, कीर्तन करवाया, तो उल्टा सभी लोगों में, गांव के लोगों में उल्टा अच्छी चर्चा होने लगी कि कितने अच्छे लोग हैं, कितना अच्छा सुप्रचार करते हैं, कितने अच्छा बापूजी के लोग हैं, तो अच्छा हो गया, कुछ विरोध नहीं हो गया उसका ज्यादा। बढ़िया बढ़िया, आपको कैसा लगा फिर इतने सभी सब करके, कैसा लगा कंडो, कैसे अनुभूति? नहीं, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमारे गुरुजी का जो ज्ञान है और गुरुजी के ये जो अपने जो भी गुरुजी बताते हैं वो सब समाज तक पहुंचाना बहुत जरूरी है, और मेरा ये उद्देश्य था कि जहाँ पे 1000-2000 लोग एकत्रित होते हैं तो ऐसे जगह पे हमको सुप्रचार का फायदा उठाना चाहिए, खास करके साधक लोगों को, यहाँ क्योंकि ऐसी जगह पे सुप्रचार बहुत अच्छी तरीके से हो सकता है, वही फायदा उठाया हमने, मतलब ये इससे प्रेरणा लेके और भी साधकों ने करना चाहिए, आपको भी लगता होगा ना? हाँ, सभी लोगों को करना चाहिए, जो भी साधक लोग है, मैरिज तो ऐसे होते ही है घर में, और खास करके जो मतलब लड़के वाले साधक लोग रहते हैं तो उनके हाथ में लगभग पूरे मतलब रहता, पूरा उनके हाथ में रहता है ना, तो वो कुछ भी करेंगे तो मना ही नहीं करते लड़के वाले लोग, बिल्कुल चीज का फायदा उठाना चाहिए, बिल्कुल मुझे लगता है। अभी तक लड़की के भाई अपने हेमराज भाई करके आपने देखा होगा, उन्होंने तो उन्होंने भी आयोजन किया था। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो उन्होंने भी अच्छा आयोजन किया, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, मतलब चाहे लड़के वाले हो या लड़के वाले, तो आपने जो बोला सही बोला है, लेकिन ये हाँ, सभी को करना ही चाहिए, मतलब ये कोशिश तो सभी को करना चाहिए, सभी को कोशिश करनी चाहिए, और अपने आश्रम के कुछ साधक लोग हैं जो मतलब भजन मंडली वगैरह है तो उनको भी इनवाइट कर सकते हैं, जैसे हमने इनवाइट किया था, तो उनका खर्चा भी मात्र बहुत कम से कम खर्चे में होता है, अगर बाहर किसी ऑर्केस्ट्रा वालों को अगर भजन मंडली को लोग बुलाते हैं तो वहाँ पे 20,000 से 30,000 रुपए तक खर्चा हो जाता है, साउंड का खर्चा, तो इसका इफेक्ट भी इतना अच्छा रहा, लोगों को बहुत अच्छा लगा, बराबर बहुत सही। और ये आपने तो कुछ सत्साहित्य भी बांटा है अपने मतलब रिश्तेदारों को बांटा था? हाँ, सत्साहित्य भी बांटा था, कुछ ऐसे सत्साहित्य जो वहाँ के गृहस्थी सभी लोगों के लिए काम में आए, जैसे कि अपने आश्रम के गुरुजी के दिव्य ज्ञान से भरे हुए क्या करे क्या न करे ये किताब है, जिसके अंदर ऐसी चीज है कि जो नॉर्मल उनके भी सभी के काम की है, तो वो चीज हमने खास करके विचार करके बाकी वो किताब, और एक किताब आती है प्रभु रसमय जीवन, जिसमें सुखी गृहस्थी गृहस्थी के सुखी होने के सोपान कुछ है, वो कुछ उपाय है उसके बारे में वर्णन किया गुरु जी ने, तो वो दो किताबें हमने बांटी, और ऋषि प्रसाद के भी कुछ अंक मंगवाए थे नवम्बर माह के। अच्छा। तो वो भी 300-400 अंक मंगवाए थे, टोटल कुल मिला के 1,000-1,200 बुक्स हमने वहीं पे वितरित की। चलो बहुत बहुत साधुवाद आपको उसके लिए। हाँ जी हाँ जी, और आपको बहुत बहुत बधाई इस बार फिर। हाँ धन्यवाद धन्यवाद। हाँ जी चलो, हाँ जी हरिओम, ठीक है, हरिओम हरिओम हरिओम। जय देव।